हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, शेम, आज तक नहीं गए, शेम, शेम, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है, शेम, शेम, शेम। मैंने 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 मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं, आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, कल देखेंगे मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक एक मंत्री खड़े होके ऐसे कर रहे हैं तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे। बैठे नहीं है, चुपचाप करिए। पूरे सब खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, सम्मान कर, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा। मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण दूसरे कैंप में, मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते।
जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे सर जी सर, जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को, वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी, उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में।